नमस्कार, मैं अतिन तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ टीवी सिवान। हम आपको बता दें कि अभी न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की जो टीम है पहुंची हुई है सिवान ज़िले के भगवानपुर हार थाना क्षेत्र के मोरा खास गांव में। आज हम जहां मौजूद हैं, बता दें कि भगवानपुर हार थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मोरा गाँव आता है, वहाँ मौजूद हैं। और आपको बता दें कि इस परिवार में एक घटना घटी है जिसको लेकर परिवार के जो लोग हैं काफ़ी चिंता में पड़े हुए हैं, काफ़ी परेशान हैं। और ये लोग के बीच जा रहे हैं, उनसे न्याय की गुहार लगा रहे हैं, आखिर क्यों, आज हम जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि अभी हाल ही में बच्चा चोर किडनी चोर का जो मामला है ये लगातार सामने आ रहा है। आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे, कई जगहों से खबरें आई होंगी जहाँ खुलेआम दिन दहाड़े लोग बच्चा चोरी करके लेके चले जाते हैं और बच्चा चोरी करके उसकी किडनी तक निकाल लेते हैं। ऐसी जो खबर है वो सामने आ रही है, ये अफवाह है या रियल, ये तो आप लोग खुद बता सकते हैं। अगर जो लोग इसको अफवाह समझते हों तो हम आपको बता दें कि कई सारे वीडियो आए हैं, कई जगहों पर कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। जिनसे पूछा गया तो उन लोगों ने साफ तौर पे अपना बयान दिया कि हाँ, हम लोग बच्चा चुराते हैं और इनका किडनी निकाल कर बेच देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज बच्चा चोर और किडनी चोर की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि हम जहाँ खड़े हैं यहाँ कुछ एक ऐसी घटना घटी है जिसको लेकर काफ़ी परिवार के लोग जो हैं चिंतित हैं। आपको बता दें कि इस घर का एक छोटा सा 10 वर्ष का बच्चा है जो लगभग 3 दिन से घर से गायब है। कहाँ गया है किसी को पता नहीं, किस हालत में है या अभी किसी को मालूम नहीं। अब इस परिवार के जो लोग हैं दर्द की ठोकरें खा रहे हैं, कई प्रखंडों में जा रहे हैं लेकिन फिर भी इनका बच्चा नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर और ये काफ़ी चिंता में हैं। इनको लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके बच्चों को कोई लेकर चला गया और वही हाल किडनी बेचने का हाल हो जाए। ऐसी कई सारी समस्याएं यहाँ सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि जो 10 वर्ष का बच्चा है उनके पिताजी हैं, उनकी माताजी हैं, उसकी सिस्टर है। कुछ लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, कब उनका बच्चा लापता हुआ और कहाँ गया, कौन ले गया, कई सारे सवाल हैं। और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आइए देना करते हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपको? मेरा नाम विनय कुमार सिंह है। मोड़ा से घर आपका? मेरा घर महाराज जगदीशपुर है, यहाँ पर हम। आप कौन बोल रहे हैं? ससुराल में मेरा परिवार वो सब कोई रहता है। ससुराल में कब से रह रहे हैं आप लोग? हम बहुत शादी हुआ उसी समय से। अच्छा, ये बताइए कि जो 10 वर्ष का बच्चा गायब है या 3 दिन से, आप ही का बेटा है? जी जी। क्या नाम उसका? उसका सुबोध नाम है। उस हाथ पर भी गोदना से नाम लिखा हुआ है। उसके हाथ पर लिखा हुआ है? जी। किस हाथ में? सही दाहिने हाथ में लिखा हुआ है। जी। अच्छा, बच्चा को क्या करता था? बच्चा इधर उधर कम पढ़ रहा था, इधर उधर घूमता था। परसों बसतपुर का मेला था, वो इधर उधर घूम रहा था, इधर से हाथी जा रही थी, पीछा पीछा गया, जो नसरुद्दीन पहलवान है वहाँ बैठा लिया आगा चल के। कौन पहलवान? नसरुद्दीन। कहाँ का रहने वाला है? सही परसागढ़ का है, यहीं पर पहले रहता था वो। अच्छा, जो जनता बाजार के पास पड़ता है भाई? जी जी। तो पीछे पीछे गया, कहीं बैठा लिया, बैठा के उधर लेके चला गया। तो कल हम लोग फ़ोन किए तो बोला कि हम उतार दिए हैं, लेकिन खेनवा हम लोग गए खोजने के लिए, खेनवा लोग बोल रहा है कि हाथी पर था। उसके बाद मेलों में भी पता लगा कि वो हाथी पर था। अच्छा। और उसके बाद वो नहीं नकार रहा है कि हम नहीं जानते हैं, वही बात है सर। आप पूछने गए तो आपसे बोला कि हम नहीं जानते बच्चे? नहीं सर, वो बोल रहा है नहीं हम उतार दिए, हम नहीं जानते हैं आपका बच्चा कहाँ। बाद में पता लगा कि बसतपुर तक लाया है। हाँ, बसतपुर में हाथी पर था सर। क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है? सर हमको लगता है ना वो लोग कुछ हमको बच्चा के साथ में कुछ अलग डिसीजन। अच्छा। क्या कह रहे हैं, मतलब बच्चा बेचने का काम? जी यही बात है पूरा, ये तरफ ये मोबाइल में भी आ रहा है, हम देख रहे हैं। हाँ, अधिकांश घटना घट रही है। जी जी। यस। तो को विश्वास है क्या कि हाँ ये वाकई रियल घटना है सब? है सर, बराबर है, ये सही बात है। पहलवान से आपने कब पूछा कि? सुबह में। अब फोन से कल भी हम लोग पूछे थे। हाँ, फोन मना कर रहा है। हाँ मना कर रहा है। चलिए, आप देख सकते हैं कि
गुमशुदा बच्चे की पिताजी हैं, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इनके बेटे को एक पहलवान हाथी वाला ले गया था और बसंतपुर तक ले गया है, लोगों ने बसंतपुर तक देखा है, फिर भी वो कह रहा है कि हम आपके बच्चे को नहीं ले गए हैं, हम नहीं जानते आपका बच्चा कहाँ है, साफ तौर पर वो पलट जा रहा है यहाँ से। आगे क्या सत्यता है, इस सत्यता को जानने के लिए हमारे बीच और इस गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे इनका क्या नाम, आपका नाम क्या है। धर्मेंद्र कुमार मिश्रा। घर आपका? मोरा खास। यही हुआ जी? यही हुआ। अच्छा, इस घटना के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या सच्चाई घटना का? घटना के जैसे सर यह हुआ कि लड़का जब नहीं आया रात में तो सुबह हम लोग उसको ढूंढने गए तो पता चला कि हाथी के पीछे पीछे गया है। अच्छा। तो हाथी के पीछे पीछे गया है तो पूछे कि हाथी किसका था और पहलवान कौन था, तो मालूम चला कि नसरुद्दीन पहलवान है। तो इस गाँव में काफ़ी समय से वो हाथी पर पहलवानी करता था, उसका नंबर हम लोग ढूंढे, नंबर पर उसके कॉल किए तो कॉल रिसीव करके पूछे उससे कि हाँ इस लड़का को आप हाथी पे बैठाए थे, तो बोला कि हाँ हाथी पे हम बैठाए थे, आप बिठना उसको छोड़ दिए। फिर बिठना हम लोग जाकर पता किए तो पता चला कि नहीं वो गया है बदरुआ गाछी तक छोड़े हैं। फिर हम लोग को रिपोर्ट मिला कि नहीं उस बसंतपुर मेला में भी हाथी पे बैठा था। फिर आज सुबह हम लोग गए उसके पटेड़ा में, हाथी लेके है वहाँ पे, पूछे कि हाँ लड़का बताओ कहाँ है लड़का, तो बोल रहा है कि नहीं हम उतार दिए हैं, लड़का मिल नहीं रहा है। हम लोग की बहुत दुखद घटना है, जो समस्या चल रही है, बच्चा चोर किरनी का आ जा रहा है, इससे सभी परिवार चिंतित है, गाँव मोहल्ला सदमे में है। क्या लगता है वाकई उसी व्यक्ति ने बच्चा ले गया है यहाँ से कि और कोई ले गया? उसी के साथ गया है बच्चा, तो उसी के साथ गया है, रिपोर्ट वो क्लियर दे नहीं रहा है, बैठा के ले गया है, उसका बयान से भी थोड़ा फॉल्ट कर रहा है वो, कभी बोल रहा है कि बिठना उतारे हैं तो कभी बोल रहा है कि बदरुआ गाछी उतार दिया। हम लोग को रिपोर्ट मिल रहा है कि बिठुना बदरुआ गाछी बसंतपुर मेला में भी हाथी पे था वो लड़का। यानी वो ये कह रहा है कि हाँ अपने आपके बच्चे को यहाँ से हम ले गए हैं। जी जी बोल रहा है। कहाँ तक बता रहे, कहाँ तक वो ले गया था? वो बदरुआ गाछी बिठुना तक बता रहा है। वही तो बता रहा जी। लेकिन लोगों ने बसंतपुर तक देख लिया? जी पब्लिक देखा है बसंतपुर तक, बसंतपुर मेला में हाथी पे बैठा था वो हमारा लड़का। तो हो सकता है बसंतपुर में कई सीसीटीवी कैमरे होंगे, वहाँ थोड़ा सा जांच करवाते हैं आप? जी, जी हम लोग कल गए थे ऐसे मेला में ढूंढने के लिए कि मिल जाए, नहीं मिला, अब आपको आपके माध्यम से हम लोग ये सूचना देकर फिर हम लोग जा रहे हैं थाना में जाएंगे। अच्छा, इसमें कौन हो सकता है? वही मेन वही है, मेन वही वही बैठा है, वही ना बताया कहाँ हम छोड़े हैं, क्या हुआ है? नाम बताइए उसका, नाम नसरुद्दीन। घर कहाँ उसका? परसागढ़। कहाँ पड़ता है? परसागढ़ पड़ता है आपका छपरा जिला में पड़ता है। आपका नाम? मैं अशोक सिंह पटेल, पूर्व सरपंच मोरा। मुझे ये घटना के विषय में जानकारी हुई, मैंने इसको जायजा लेने लगा तो हमको ये मालूम हुआ कि ये हमको मालूम हुआ कि लोग बताया कि वो लड़का हाथी जो आ रही थी, जो नसरुद्दीन है परसागढ़ का, जो जनता बाजार पर मुन्ना सिंह का हाथी पर रहता है, वो कुछ दूर हमारे गांव से ले गया है, मिसिर के मोरा ले जाकर उसको हाथी पर चढ़ाया। अच्छा। और वहाँ से लेकर के वो चला गया और पूछने के बाद वो बोल रहा है कि नहीं हम उसको बिठना बदरुआ टोला तक उतार दिए हैं। अच्छा। लेकिन हमको वहाँ का लोकल आदमी ने देखकर बताया कि नहीं वो खेड़वा तक गया है। अच्छा। खेड़वा तक सही रिपोर्ट मिलने के बाद अभी हमको मालूम हुआ, एक आदमी बोला मेरे गाँव का कि नहीं हमने सर उसको देखा था बसंतपुर जुलूस में, क्योंकि हाथी पर था वो सुबोध, हाथी पर चला गया, वहाँ रिपोर्ट मिल रहा है और ये बोलता है कि नहीं मैं बिठना उसको छोड़ दिया हूँ। अब मुझे लोग बोल रहे हैं कि नहीं मैं यहाँ यहाँ उसको हाथी पर देखा हूँ, तो गलती तो उसी का है, वही बताएगा कि वो लड़का कहाँ है, इसका दूसरा कोई नहीं जानता है, क्योंकि उसको हाथी तक वो झूठ बोल रहा है कि नहीं हम बदरुआ टोला उतारे हैं, लेकिन हमको लोग बता रहे हैं कि नहीं खेड़वा तक देखे हैं, बसंतपुर तक देखे हैं, हाथी पर था वो। इसके बाद उसको पूछने के बाद वो बोलता है कि नहीं हम नहीं जानते हैं, सारा उसी का है 40 में, वही बताएगा कि कहाँ है बच्चा वो। शक उसी पे है? उसी पर शक है, पूरा शक है, पूरे समाज का शक है उस पर। अच्छा, इस घटना को देखने के बाद वो क्या लगता क्या है? हमको लगता है कि वो बच्चा को गुपराइट किया है किरनी उड़नी बेचने के लिए। अच्छा। जो है हल्ला गुला हो रहा है कि किरनी उड़नी जो बेचेगा, जो जो पूरे बिहार में हलचल है, उत्तर प्रदेश में भी हलचल है, वही से हम लोग ज़्यादा डर गए हैं कि ऐसा घटना उसके साथ हो तो नहीं गया। आ सही जानकारी वही जानता है कि बच्चा हम कहाँ उतारे, वो बोल रहा है कि हमने उसको बिठना उठा दिया, लेकिन वो बिठना नहीं उतारा, हमको यहाँ तक रिपोर्ट मिला है कि नहीं वो हाथी पर बसंतपुर का जुलूस में भी था।
अच्छा, इसको लेकर आज तीन दिन हो गए, पता चला कि तीन दिन हो गए हैं, अभी तक आप लोग कहाँ कहाँ उसको ढूंढे? हम लोग बिठना पकड़े हुए हैं, बिठना के जितना दूर क्षेत्र है बसंतपुर तक ले हम लोग गए हैं, और लोकल जितने गांव है बड़का गांव, रतौली, जिनेतपुर, गजियापुर, इस चारों तरफ हम लोग घूम लिए हैं। मोरा जो हमारा ग्राम पंचायत है उसके अगल बगल में भी जानकारी हम लोग लिए हैं। ये जानकारी हम लोग को मिला है कि नहीं वो हाथी पर गया है। हाँ, इसके बाद आपने थानों में शिकायत की कि नहीं कंप्लेन? अभी तो हम लोग थाना में कंप्लेन नहीं किए हैं, लेकिन आज करेंगे जाकर के थाना में कंप्लेन उसके नाम से। जी, क्या लगता है आपको कि वाकई में उसने इस घटना को अंजाम दिया है? अब देखिए, बात तो ऐसा है कि वो हमको सस्पिशन हुआ इस बात को लेकर के कि वो हमसे बोला कि नहीं उसको बदुरुआ टोला हम उतार दिए हैं, लेकिन हमको जहाँ तक लोग बता रहे हैं, बच्चे देखे हैं, सियान भी देखा है उसको, कि नहीं बिठना भी लौका हाथी पर, खेड़वा मेला भी लौका हाथी पर, अब बसंतपुर का जुलूस में भी लौका हाथी पर, तो हम कैसे उसको बात को यकीन कर सकते हैं कि बिठना उतार दिया, जबकि हम उसको प्रेजेंट देखे हैं, लोग बता रहे हैं कि वो जनता थी बसंतपुर जुलूस में हाथी पर था, और पिलवान बोल रहा है कि नहीं हम बिठना उसके झंडा अथी में बिठना बदुरुआ टोला उतारे हैं। चलिए आपको बता दें कि अभी न्यू टीवी सिवांचल की जो टीम है वो सिवान जिले की भगवानपुर हाड़सरा क्षेत्र की मोरा खास गांव में मौजूद है, और आपको बता दें कि एक पीड़ित परिवार से हम आपको मिलाए, पता ये चला कि 9 तारीख से इनका एक 10 वर्षीय बच्चा जो है घर से गायब है। बताया ये जा रहा है कि इन लोग साफ तौर पर एक हाथी पहलवान के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि एक हाथी वाला इधर जा रहा था और उसने ही उस बच्चे को हाथी बैठा लिया और बिठना तक ले गया, कुछ लोगों ने देखा भी, उसके बाद वह बिठना होते हुए खेड़वा फिर गया, खेड़वा में भी लोगों ने देखा, उसके बाद वह सीधे बसंतपुर मेले में चला गया, बसंतपुर मेला का जुलूस था, उस जुलूस में भी वो देखा गया। ये हम नहीं बल्कि पीड़ित परिवार और कुछ आसपास के लोग साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि इन लोग का आरोप यह है कि आजकल जो अफवाह फैल रही है कि बच्चा चोर किडनी चोर, उस पर ये लोग शक किए हैं कि शायद हमारे बच्चे के साथ भी कुछ ऐसी घटना ना घट जाए, जिसको लेकर ये काफ़ी डरे हुए हैं। तो अब देखना यह होगा कि क्या जिस व्यक्ति पर आरोप लग रहा है क्या उसी ने इस घटना को अंजाम दिया है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको हम बता दें कि अभी तक न्यू टीवी सिवांचल की टीम लगभग 12 व्यक्तियों को ऐसी खबर बनाई है जो घर से गुम हो चुके हैं, लेकिन जब जब न्यू टीवी सिवांचल की टीम इस खबर को बनाई, आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया कि वह व्यक्ति खुशीपूर्वक अपने घर वापस आ चुका है। एक बार फिर आपसे हम चाहेंगे, जितने भी हमारे आला अधिकारी, जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि अगर आप इस बच्चे को जहाँ भी देख रहे हों, जहाँ भी देखी हों, हमारे स्क्रीन पर उस बच्चे का तस्वीर है, आप तस्वीर देख सकते हैं गौर से। अब बता दें कि इस बच्चे के दाहिने हाथ में उसका नाम भी लिखा हुआ है, सुबोध। जहां भी आप लोग देखें, कृपया करके आप इस बच्चे को इसके घर तक पहुंचाने का काम करें, ताकि इस परिवार में जो खुशी गई है वो खुशी फिर से वापस आ सके। तो बस इसी तरह आप हमारे बीच बन रही है। अगर चैनल पर नए तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई ताज़ा खबर की अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो नई ताज़ा खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।